हेलो एंड राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज 1 मार्च ट्यूसडे की सुबह का टाइम है और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, मुझे पता है मेरा ये ब्लॉग महाशिवरात्रि के बाद आ रहा है, पर क्या करूँ, मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है। तो अब जो भी है, आप लोग आज ही मेरी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं ले लीजिए। और मैं नहा करके तैयार हूँ पूजा करने के लिए। और मम्मी यहाँ किचन में बना दी है सिंघाड़े के आटे की कतली। तो इसके लिए मम्मी ने सिंघाड़े का आटा ना पानी में घोल लिया है और मम्मी ने इस घोल में घी भी ऐड किया है। अभी थोड़ा सा बाद में डालेंगी घी। और इसको अच्छे से चला ले रही हैं ताकि इसमें कोई भी क्लम्स ना रहें। और फिर इसको कढ़ाई में डालकर चलाते हुए तब तक पकाएंगी जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और मम्मी ने इस बार ना सिंघाड़े के आटे को भूना नहीं है, बस ऐसे ही पानी में घोल करके बना ले रही है। वैसे कभी कभी मम्मी का मन होता है तो सिंघाड़े के आटे को भून करके भी बना लेती हैं। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप सिंघाड़े के आटे को भून के बना लो या फिर ऐसे ही बना लो। पर आज थोड़ा जल्दी है क्योंकि हमें भी 12 बजे से पहले पहले हाथरस के लिए निकलना है। तो इसलिए ना दूध और दही से खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं और मुझे तो ज़्यादातर दूध से अच्छी लगती हैं ये। और मैंने मम्मी के घर की सारी साफ़ सफाई तो कर दी है, व्रत का खाना भी तैयार है, मम्मी ने भी नहा करके पूजा कर ली है और हमारी भी पूजा हो ही गई है। तो अब हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें निकलना है अब हाथरस के लिए। और आज हमें जल्दी इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें जो है आज शाम को ही रामपुर के लिए निकलना है। मुरादाबाद के पास रामपुर है ना, वहाँ जाना है ट्रेनिंग के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग है तो वहाँ जाना है। नहीं तो अगर वहाँ जाने का प्लान नहीं होता ना तो हम सीधे शाम को आराम से निकलते 5-6 बजे। लेकिन अब उनको 6 बजे तो हर हाल में वहाँ के लिए निकल ही जाना है। तो उसके लिए हमें पहले हाथस पहुंचना होगा। हाथस जाके अपना बैग वगैरह भी पैक करेंगे। और आज हमारे तांशु की भी तबीयत ठीक नहीं है, कल से इन्हें फीवर आ रहा है और रात में तो बहुत तेज़ फीवर आ गया था। और अभी इनको वहाँ से दवाई भी दिलवानी है हाथरस से। यहाँ से नंबर यहाँ नंबर लगाया था आगरा में, लेकिन फिर आगरा में अगर दिखाते तो 2:30 यहीं बच जाते। तो इसलिए फिर अब सीधे वहीं हाथरस चल के ही दिखाएंगे। डॉक्टर से नंबर लगवा दिया है वहाँ हाथरस में। अब बस यही टेंशन है कि ये भी जा रहे हैं आज ही और तांशु की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अकेले कैसे सब कुछ हैंडल करूँगी, बस यही थोड़ा सोच के टेंशन हो रही है।
सबसे पहले डॉक्टर के आए हैं तांशु को दिखाने के लिए, और ये कृष्णा नर्सिंग होम है, यहाँ पर डॉक्टर पंकज शर्मा बैठते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्हीं को दिखाने आए हैं हम। और आज हमारे तांशु बीमार क्या पड़े हैं, बिल्कुल सुस्त से हो गए हैं, खेल कूद ही नहीं रहे, वरना ये तो जहाँ जाते हैं उछल कूद करते रहते हैं, एक जगह बैठते ही नहीं हैं, और आज देखो कैसे शांति से बैठे हुए हैं। रूम पर आ गए हैं और मैं हलवाई की दुकान से दूध भी ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे अमूल के दूध वाले पैकेट नहीं मिलते हैं, यहाँ तक वो वाला पैकेट मिलता है जो एक महीने रखा रहता है ना दूध, वो वाला पैकेट मिलता है, पाउडर से बना होता है, पता नहीं किससे बना होता है, एक महीने तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, पर वो सही नहीं होता हेल्थ के लिए, तो मैं उसे नहीं लेके आती हूँ, हलवाई से दूध मिल जाता है तो ले आती हूँ। तो हलवाई से आज मिल गया था दूध, तो 1.5 किलो दूध ले आए हैं, और यहाँ पर अभी ये अपनी पैकिंग करने लगे हैं सामान की, और मैं भी साथ में इनकी बैग पैक कराने में हेल्प करा रही हूँ, ताकि ये कोई चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि ये 5-6 दिनों के लिए जा रहे हैं, आज 1 तारीख है, आज की शाम निकल रहे हैं, फिर ये 6 की रात को या फिर 7 की सुबह वापस आएंगे, तो ये 5-6 दिन की जो ट्रेनिंग है इनकी मुरादाबाद के पास रामपुर है वहीं चलेगी। चलो मैं आपके लिए दूध लेके आ रही हूँ, दूध पी लो, ब्रेड खा लिए, आपने ब्रेड फिनिश करो पहले अपने, फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगी, सिरप देना मुझे। और बैग तो पैक हो गया इनका, अब ये भी तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे ये, और मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि ये 5-6 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो 5-6 दिन मैं अकेली रहूँगी तांशु को यहाँ लेकर के, अब मुझे यही सोच के टेंशन हो रही है कि कैसे मैं इसको सुबह स्कूल लेके जाया करूँगी, और कैसे मतलब जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करके कैसे सब कुछ होगा, कैसे इसका तांशु का ख्याल रखूँगी, कैसे घर के काम करूँगी, कैसे स्कूल का जॉब करूँगी अपना, पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से तांशु की तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर पीछे से तबीयत बिगड़ी तो मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ, अब जो भी हो अब कर जब तक तांशु सो रहा है तब तक मैं अपने किचन में जाके थोड़ी बहुत काम देख लेती हूँ, किचन बहुत गंदी हो रही है, बर्तन वगैरह ये पड़े हैं धुलने के लिए, और गैस स्लिप ये सब गंदी हो रही है, डस्ट हो रही है ना सब पे, और फिर सुबह उठ करके टाइम नहीं मिलेगा मुझे, सुबह उठ करके सीधे काम में लग जाती हूँ, खाना पीना बनाना पड़ेगा मुझे सुबह, तो अब इसलिए अभी साफ कर दे रही हूँ। तो मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।